हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं कल हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या शेयर किया था और किस तरह से हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी दिलाने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो स्ट्रेटजी होती है कि महीने में 5 ट्रेड 6 ट्रेड ही करेंगे, बट वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे और SL हमें कम से कम देना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कल का क्या है। और अगर आप इस ग्रुप में फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 9:13 में मेरी पहली अपडेट थी कि मैंने साफ लिखा था कि 42,000 लेवल अगर ब्रेक करता है आज तो 41,500 हमारा टारगेट होना चाहिए इंट्राडे में ही। बट ऐसा हुआ ही नहीं कल पूरे दिन में। 42,000 के नीचे एक बार गया, बट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 41,850, बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल गया था। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने कोटक बैंक का भी ट्रेड शेयर किया था काफ़ी पहले ही, तो वो काफ़ी अच्छा 1% का प्रॉफिट दे रहा था कोटक बैंक, और अभी भी वो ठीक ठाक ही चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे चांस लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा 3-4% का प्रॉफिट आने वाले 3-4 दिनों में दे सकता है कोटक बैंक। उसके बाद मैंने एक ट्रेड शेयर किया था जो कि था 42,200 का पुट ऑप्शन 231.30 रुपये पे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेड था इसका SL हमारा हिट हो गया था अराउंड, पहले ये 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था, उसके बाद 30 पॉइंट का SL ये लेके गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 पॉइंट का SL मान के चलता हूँ कि 30 पॉइंट का SL हमारा वहाँ चला गया था, यानी एक लॉट पे 750 रुपये का लॉस हमें वहाँ पे हुआ था। उसके बाद शार्प बाइंग हैपेंड एट 42,000 लेवल जो कि यहाँ से गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन चार्ट शेयर किया था 11:10 में, और मैंने लिखा था एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी ट्राइंग टू गो डाउन साइड। तो ये सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिखाया, और उसी समय मैंने दोबारा से री एंट्री के लिए बोल दिया था साफ साफ 11:22 पे कि 243 पे चल रहा था 42,200 का पुट ऑप्शन। तो मैंने बोला था यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है री एंट्री के लिए, री एंट्री किया जा सकता है। और उसके बाद 243 के लेवल से इसने जो हाई लगाया था बहुत ही बेहतर, लगभग 120 पॉइंट की रैली मिली थी, यानी अगर मैं 30 पॉइंट का SL माइनस भी कर दूँ तो भी वहाँ पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से मिला हुआ था। और 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट कम नहीं होता है बैंक निफ्टी में। एक लॉट पे अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए कि आपका 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का प्रॉफिट वहाँ पे हुआ था। अगर किसी ने 4 लॉट लिया होगा तो वहाँ पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट उनको हो सकता था। बट मैं लेट्स सपोज मिनिमम ही कैलकुलेट करता हूँ, मैं छोटे ट्रेडर्स के लिए काम करता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिनके पास 10,000-15,000 कैपिटल है वो भी ट्रेड कर सके, वो भी प्रॉफिट कमा सके। तो इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल अगर 15-20,000 रुपये है तो आप इजीली इसमें ज्वाइन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं डेली ट्रेड शेयर करता हूँ, मैं महीने में 4-5 दिन ही ट्रेड शेयर करता हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ यहाँ श्योर शॉट कुछ हो सकता है तो उस दिन मैं ट्रेड शेयर करता हूँ। क्योंकि 15-20,000 के कैपिटल में आप ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे, इक्विटी बाई करके प्रॉफिट कमा लेंगे बहुत बड़ा, तो वो पॉसिबल नहीं है। 15-20,000 के कैपिटल में एक ही चीज़ हो सकता है, वो है ऑप्शन बाइंग। और ऑप्शन बाइंग भी अगर आप डेली करेंगे तो 15-20,000 का कैपिटल 1 वीक में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको महीने में सेलेक्टेड डेज ही ट्रेड करना होगा ऑप्शन बाइंग में, और उन सेलेक्टेड डेज में प्रॉपर SL के साथ अगर आप काम करते हैं, अपना रिस्क मैनेज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महीने में अगर आप 5-6 दिन ट्रेड कर रहे हैं, लेट सपोज आपका बैड लक है, बहुत ख़राब बैड लक है, और पूरा 5-6 दिन भी आपका SL हिट होता है, तो अगर आपका स्ट्रेटजी है कि हाँ मेरा एक दिन में मैं 40 पॉइंट का SL ले सकता हूँ, 30 पॉइंट का SL ले सकता हूँ, और 40 पॉइंट 30 पॉइंट के SL पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं वीक में एक दो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हार्डली आपका 750 रुपये से 1,000 रुपये तक एक दिन में लॉस होगा। और अगर उससे आप कैलकुलेट करते हैं 5-6 दिन तक के लिए तो 4-5 हज़ार का लॉस होगा, फिर भी आपके पास कैपिटल 15,000 रुपये के आसपास बचता है या 10,000 आपके पास बचता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए आपको 7,500 रुपये से लेकर 10,000-12,000 रुपये तक रहने से काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बैंक निफ्टी का जो एक लॉट है बहुत महंगा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 12,000-13,000 के अंदर बहुत अच्छा अच्छा एट द मनी इन द मनी प्राइसेस का स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इमिडिएटली 243 पे शेयर किया था मैंने 11:22 में, और इमिडिएटली 12:33 पे ये हो गया था 266, यानी काफ़ी स्लो फॉलिंग था कल। बट जैसे ही 42,150 ब्रेक हुआ तो उसके बाद सेलिंग फास्ट हुआ एंड इमिडिएटली वो 276 हो गया, देन 295 इमिडिएटली आप देख सकते हैं एक मिनट के अंदर, यानी कि 30-40 पॉइंट मिल गए, तो 295 हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया था SL वगैरह जो रिकवर हुआ था। उसके बाद
243 से 310 तक चला गया था, जहाँ पे 67 पॉइंट्स का गेन हो रहा था। वहाँ पे मैंने बोला था कि जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 42,000 का जोन भी आ चुका था, 42,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने क्लियरली बोला था कि जहाँ पे उन्होंने बाइंग किया वहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे ऐसे लगा लीजिए, ताकि आप इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट राइड कर सके। उसके बाद देख सकते 340 चला गया, यहाँ पे इजीली 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। ऐसे में माइनस भी करता हूँ, 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस पॉइंट पे मिल रहा था। और उसके बाद 360 तक का हाई लगाया था इस कॉल ने, और उसके बाद मैंने क्लियरली सबको बुक भी करवा दिया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड देते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे क्लियरली 3:08 पर लिखा था कि बायस पॉजिटिव टर्न हो चुका है एज क्लोजिंग इज अबाउट 42,000। टोमरो वी में सी गैप अप बट नॉट टेकिंग एनी पोजिशन, मैंने क्लियरली बोला था कोई पोजिशन नहीं है, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है कल कैरी फॉरवर्ड के लिए। और उसके बाद मैंने एक शाम को 5:27 में एक स्टॉक भी शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने टेलीग्राम चैनल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं डिटेल्स। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और कोई चार्जेस भी आपको नहीं लगेगा। प्लस जो भी मैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देता हूँ वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही रिस्क एपेटाइट को मैनेज करते हुए देता हूँ। हाँ, आप अगर अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल है और आप एक्सपायरी डे में ट्रेड कर रहे हैं, सस्ता ट्रेड आपको मिलता है, उसमें आप 15-20 लॉट ले लेंगे तो वहाँ पे आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।